बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अम्मे का दस्तरखान। जी ये जी हमारा जो दूसरा व्लॉग है, पहले व्लॉग में मैंने दिखाया था कि हम कनाडा से फ्लाई करके इंग्लैंड गए थे। अब इंग्लैंड से एयरपोर्ट से हम घर पहुंच गए हैं। बहुत ही सनी डे है बट टायरिंग डे था, इतना टायरिंग डे था यार। 10 घंटे की फ़्लाइट, 10 घंटे मतलब 10 घंटे की फ़्लाइट, बीच में वो इंग्लिश मिक्स हो गया तो 10 घंटे की फ़्लाइट लेने थका दिया, बट 14 घंटे की फ़्लाइट से तो बेटर है। लेकिन इससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से ज़्यादा जाओ खुदा के वास्ते और सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल और फॉलोअर्स बढ़ा दो। अच्छा जी, नेक्स्ट डे हम यहाँ से मैं रेडी शेडी होकर उनके घर के बाहर ही ना एयरपोर्ट स्ट्रीट पे, इतनी चीज़ें और सामने जर्मन डोनर कबाब भी दिखा जो कि हमारे कैनेडा में भी है, तो मैं बहुत खुश होती थी। और साथ ही एक्सचेंज मॉल है, एक्सचेंज मॉल में H&M, TK Maxx, नेक्स्ट एंड ज़ारा एंड एवरीथिंग इज़ हियर, सो यू कैन बाय एनी ड्रेसेस, एनी डिज़ाइनर ड्रेसेस फ्रॉम हियर। और ये जो देख के मुझे बहुत खुशी हुई बिकॉज यहाँ पे बहुत मुसलमान थे जो कि एक दूसरे को देख के अच्छा लगा, मुझे पाकिस्तानी देख के अच्छा लगा। और हिजाब की शॉप्स थी जो कि कनाडा में लाइक मुझे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे थोड़ी कम दिखती हैं, होती हैं तो छोटी होती हैं। तो TK Maxx भी है, बच्चों का प्लेग्राउंड भी है, बहुत ही लाइक अच्छी पास ही यार, घर से निकलो और जाके बड़े से मॉल में अपनी जो चीज़ खरीदनी है खरीद लो, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। और एक और चीज़, यहाँ प्राइमार्क भी है यार, जिसने कभी कोई इकोनॉमिकल चीज़ लेनी है, किसी ने को गिफ्ट करनी हो तो प्राइमार्क इज़ द बेस्ट, अच्छी चीज़ मिल जाती है और इकोनॉमिकल रेट में मिल जाती है और बिल्कुल हाई स्ट्रीट पे है। इसका एक दरवाज़ा बाहर लगता है फिर स्ट्रीट पर, दूसरा हाई स्ट्रीट पर लगता है। और हाई स्ट्रीट ऐसे एक है जैसे पूरी टाइल्स की बनी हुई है, जैसे कि टाइल्स की बनी, यहाँ पे कोई बस नहीं आती, कोई वैन वगैरह नहीं आती, कोई आपका जो है ट्रैफिक नहीं है, बस यहाँ पे आप अपनी चीज़ें बाय कर सकते हो। और ये जो है जी रेड ब्रिज टाउन हॉल, जस्ट लाइक अ कम्युनिटी हॉल। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। और यहाँ पे हर रोज़ जो है हर एक कंट्री का फ्लैग लगता है। और यहाँ पे जैसे कम्युनिटी हॉल्स नहीं होते, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। और ये देखें बिल्कुल इनकी बिल्डिंग्स देखने का इंग्लैंड का ना मज़ा आता है। तो यहाँ पे कुछ बंदे जी पियानो भी बजा रहे थे और बहुत सारी शॉप्स हैं जैसे लाइक KFC एंड पाउंड स्टोर, हमारे जी कैनेडा में डॉलर स्टोर होता है तो यहाँ पाउंड स्टोर है, जो कि लाइक 1 पाउंड की 2 पाउंड से ज़्यादा की चीज़ें मिल जाती हैं। ये उसकी बैक साइड है। तो अब हम यहाँ जी फिरने तुरने के लाइक चक्कर पूरा कर रहे थे, म्यूजियम वगैरह भी था और सब कुछ था। और ये है जी मेरी भाजी, बाजी और भाई जान और मेरी भाभी, और यहीं से हम चले हैं। और ये जी बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही सारी डिज़ाइनर शॉप्स हैं, लाइक पॉल्स बेकरीज के केक्स बहुत मज़े के हैं और लुबनाज एंड एवरीथिंग इज़ हलाल, एवरीथिंग इज़ लाइक हर चीज़ हम खा सकते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की थी। अब जी हम जा रहे हैं स्ट्रैटफोर्ड, नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिए कि मैं स्ट्रैटफोर्ड में कहाँ गई। और एक और मज़े की चीज़ यहाँ पे देखो यार, लोगों के घरों पे एंटीनाज है जो कि देख के मुझे बड़ा ही अजीब लगा। और इसके साथ साथ अगर किसी को मेरी लाइक किसी को आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई हो, प्लीज़ उम्मीद करती हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और इसी के साथ मैं लेकर मुझे आ सकती हूँ।